चुके हैं साई सर के घर से। काफ़ी अच्छा फैमिली वायु रहा वहाँ पे, काफ़ी मज़ा आया, एक दिन का स्टे था वहाँ पे। काफ़ी बढ़िया खाना उड़ीसा फूड, ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ, काफ़ी फीलिंग था। अभी हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर, हम लोग साथ हैं जी, बाहर का देख सकते हैं तो विलेज। और यहाँ पे है ये पार्किंग जोन, जहाँ पे हम लोग को कार को पार्क करना है। धौलागिरी आ चुके हैं, जो कि एक बौद्धिस्ट टेंपल है और बेसिकली पहाड़ी पे स्थित एक मंदिर है। और आप देख सकते हैं इस तरह का थोड़ा सा एल्टीट्यूड वाला एरिया है, तो थोड़ी थोड़ी थकान हो सकती है आपको सीढ़ी चढ़ने में। देख सकते हैं फिर इस तरह से सीढ़ियाँ हैं। हम लोग टॉप पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये है धौलागिरी का फेमस बौद्धिस्ट टेम्पल। पीपल पेड़ इन लोग के लिए काफ़ी पवित्र माना जाता है। यहाँ पे पीपल का पेड़ भी है और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी कुछ मीटिंग चलती जगह भी आप ऊपर चढ़े के आप देख सकते हैं अपने से ऊपर ताकि न लेके जाए नीचे यहाँ पे पार्क ही चढ़े। सो हियर वी आर, ये देख सकते हैं वाइट कलर का यहाँ पे बौद्ध बुद्ध का यहाँ पे प्रतिमा बनाया गया, स्टैचू बनाया गया है। एंड इसके चारों ओर काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी हिल पे आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे। और बाहर का नज़ारा भी काफ़ी सुंदर है, आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो लायंस भी हैं। ये एक और इम्पोर्टेंट स्टैचू है, यहाँ पे ये विश्राम करते हुए नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं। जहाँ पर कलिंग युद्ध आपको पहले बताया था, ये कलिंग का ये लड़ाई हुआ था। ये नदी 1,00,000 लोकमार्ग के अशोक ने खून से लाल कर दिया था सामने वाला। इस तरफ लड़ाई वड़ाई यही हुआ? हाँ, इस मैदान है कलिंग का मैदान, जहाँ पे आपको दिखा रहा है इस कलिंग का मैदान है, इस ओरिजिनल से प्लेस है। लिंगराज मंदिर मंदिर का कैंपस है और लिंगराज मंदिर, यहाँ पे कई सारे मंदिर मिलेंगे। ये तो मेन कैंपस है आप देख रहे हैं, इसके अलावा कई सारे मंदिर भी आप देख सकते हैं। ये भी एक मंदिर है, उधर भी आपको एक मंदिर दिख रहा होगा, उधर भी अगर आप जाएंगे तो उसमें भी मंदिर है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी अंदर में, मोबाइल तो अलाउड नहीं है ना ही कैमरा अलाउड है, तो बाहर जो भी मंदिर होंगे थोड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ कैसा है वो। आप देख सकते हैं ये मंदिर है, मंदिर का फ्रंट व्यू आपको कुछ इस तरह दिखता है और बगल में एक छोटा सा गार्डन भी बनाया गया है। इधर कई सारे लिंगराज मंदिर जैसे कंस्ट्रक्शन है, सिमिलर मंदिर आपको मिलेंगे रोड साइड। ये जो मंदिर है आप देख सकते हैं इसका फ्रंट गेट है, ये इस मंदिर का फ्रंट गेट है। और मंदिर आप बाहर से देख सकते हैं, इसके बगल में ही आपको एक छोटा सा लेक दिखाई देगा, आप देख सकते हैं ये जो लेक।
बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है लिंगराज टेंपल का विजिट। मोबाइल अंदर अलाउड नहीं था, ना ही कैमरा, सिर्फ बाहर का लोकेशन दिखा पाए। आप देख सकते हैं बाहर को किस तरह दिखता है। हम लोग पहुंच चुके हैं खंडागिरी और यहाँ पे हम लोग जो व्हीकल है पार्क भी कर दिए हैं। तभी हम लोगों को निकलना है, काफ़ी एग्जॉस्टिव ये पूरा जर्नी रह रहा है। एक ही दिन में सारा चीज़ कवर करना है और कोशिश कर रहे हैं कि जितना साइट जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वो हम लोग कवर कर दें विद इन वन और टू डेज। पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, अगर हो भी रहा है तो काफ़ी एग्जॉस्टन हो रहा है पूरी बॉडी में, पर टाइम भी बहुत कम है। कोशिश करते हैं सभी जो प्लेसेस है उसको जल्दी से कवर कर लें। खंडागिरी बेसिकली एक गुफा है, देख सकते हैं ऊपर कई लोग यहाँ पे आए हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह भी है। ऊपर एक पहाड़ है, पहाड़ पे गुफाएं बनी हुई हैं और यहाँ पर झाड़ी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे चारों तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो केव्स हैं, एक का नाम देख सकते हैं वो है उदयगिरी हिल्स और ये जो है वो है खंडागिरी हिल्स। दोनों के दोनों भुवनेश्वर सिटी में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि किंग खरवेला, राजा खरवेला के समय में जो जैन मॉन्क्स थे उन्होंने ये केव्स को बनाया है। आप उदयगिरी की बात करें तो उदयगिरी का मतलब होता है सनराइज हिल। यहाँ पे सूर्योदय के समय काफ़ी अच्छा सीन आता है, इसलिए इसका नाम उदयगिरी हिल्स और ये हिल का नाम है खंडागिरी हिल्स। तो उदयगिरी हिल्स में टोटल 18 केव्स है, 18 केव्स हैं और ये जो खंडागिरी हिल है इसमें 15 केव्स हैं और इनमें जो लिखावट लिखी गई है वो हनुमा थम्पी, ठीक है, हनुमा थम्पी लेक से सारा यहाँ पे इंस्क्रिप्शन को लिखा गया है। नीचे आपको छोटा सा पार्क भी दिखाई देगा जो आप देख सकते हैं और इसमें कई सारे छोटे बड़े केव्स दिखाई देंगे। तो देख सकते हैं ये केव हुआ करता था जो जैन मॉन्क्स के द्वारा बनाया गया है 1st BC में। इसी सिमिलर टाइप ऑफ केव आपको नीचे भी दिखाई देंगे, ऊपर भी हैं। तो देख सकते हैं इनमें कई सारे नेचुरली मेड हैं और कई सारे आर्टिफिशियल मेड भी हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं खंडागिरी केव से होकर, अभी हम लोग जा रहे हैं उदयगिरी केव और जो कि बिल्कुल इसके सामने है, ये है उदयगिरी केव। उदयगिरी केव यहाँ पे भी काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं और काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे केव है। यह है उदयगिरी का केव, हाथी गुफा और ये खंडागिरी गुफा। आप देख सकते हैं इसका कोई टैक्स वगैरह नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है, आप बिना कोई एंट्री फीस के आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो अभी चलिए देखते हैं इसको। देख सकते हैं यहाँ पे बगल से वो दिखाई दे रहा है, वो है खंडागिरी केव और ये है उदयगिरी केव, बिल्कुल पास है, बिल्कुल सिटी से। ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पेट यहाँ जो मंदिर हमने देखा था ऊपर से वो मंदिर बंद है। खंडागिरी में चढ़कर हमने जो मंदिर देखा था, इस मंदिर के बारे में बात करें, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये अभी बंद है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा है, यहाँ से पूरा भुवनेश्वर दिखता है। चलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, यह कुछ है नहीं यहाँ पे, ऐसे चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो खंडागिरी एंड उदयगिरी केव है उसको विजिट कर लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं नंदन कानन जू, जो कि भुवनेश्वर में ही है। विभिन्न तरह के एनिमल्स हैं, स्नेक्स हैं, छोटा सा पार्क भी है। चलिए
के आगे जा रहे हैं हम लोग, उसको देखते हैं और कौन कौन से जानवर उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। पार्क आ चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे नंदनकानन, यहाँ पे पार्क नज़र आ रहा है। साथ में देख सकते हैं साइड में आपको स्ट्रीट फूड यहाँ पे मिल रहे हैं, कैप्स भी तरह तरह के हैं, मास्क वगैरह अगर आपके पास नहीं है तो भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ 50 रुपीज़ है टिकट का प्राइस, और अगर आप कैमरा लेके जा रहे हैं हैंडी कैम तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज है, और अगर हाई एंड वीडियो कैमरा लेके जा रहे हैं तो फिर 500 एक्स्ट्रा आपका चार्ज है। तो यहाँ पे टिकट काउंटर पे चलिए टिकट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे टिकट खरीद लिया आप देख सकते हैं ये टिकट, और ये दो टिकट का प्राइस 50 रुपीज़ पर हेड है, और यहाँ पे कैमरा का चार्ज यहाँ पे नहीं लिया गया है। और लोग यहाँ पे कैमरा का प्राइस मेंशन था कि 100 रुपीज़ हैंडी कैम के लिए है, पर यहाँ पे कैमरा का कोई चार्ज नहीं लिया गया। यहाँ पे काफ़ी 80 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज है पर पर्सन, क्या 1500 है। और लिखा बहुत मज़ा आ रहा है इसमें, पता नहीं क्या क्या लिखा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, बस खाली देख के टिकट मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ये ठीक है भाई, तो चला परेशान हो जाते पैदल चलते हैं, कितना ज़्यादा ज़्यादा दूर नहीं है का है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अभी उनका ट्रैवलिंग, तो फिर आ गया है इसमें, देखते हैं क्या हमको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ये हिरन, ये है हिरन, ये है हिप्पोपोटामस, और हर्बीवोरस होते हैं पर ये एम्फीबियन से यानी पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी रहते हैं। आप देख सकते हैं ये है सीप, ये सीप में जैसा लग रहा है इस तरह से दिखाई देता है, आप देख सकते हैं ये है अपना वाइट है, अगर आप देख सकते हैं काफ़ी जोर से सांस ले रहा है। ये वाइट टाइगर है, इंडियन मोर एंड इंडियन एलिफेंट, ये है मोर काफ़ी नज़दीक नज़दीक में। मोर हाथी को कोई मतलब हाथी मोर को डिस्टर्ब नहीं करता? नहीं, यहाँ पे 3 हाथी हैं, तीनों मजे से अभी अपना खाना खा रहा है घास फूस। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है क्रोकोडाइल, वो स्पेसिस है मगर क्रोकोडाइल की, और यहाँ पे ये भी सब आराम फरमा रहे हैं। क्रोकोडाइल काफ़ी डेंजरस एम्फीबियंस हैं, सब के सब निद्रा कर रहे हैं, निद्रा अवस्था में सब हैं। ये है इंडियन टॉर्टोइज, आप देख सकते हैं एक साथ गुच्छे में खड़े हैं सब, एक लाइन से यहाँ पे टॉर्टोइज हैं यहाँ पे खड़े हुए। ये है टॉर्टोइज, ये है किंग कोबरा, लॉन्गेस्ट स्नेक जो कि पॉइजनस होता है पूरे वर्ल्ड में, सबसे जहरीला सांप होता है, 5-7 मीटर लंबाई होती है और जनरली 20 किलो तक इसका वजन हो सकता है। फेवरेट एनाकोंडा नीचे भी है लेकिन सब बच्चा है, बड़ा रहता है लेकिन इसका बच्चा है, एक छोटा ये है पीले रंग का ज़्यादातर ये होता है, इसका पानी के अंदर भी रह सकता है बाहर भी देख सकते हैं। ये है देख सकते हैं ये है बर्मीज पाइथन, बर्मीज पाइथन है, और ये म्यांमार थाईलैंड वियतनाम चाइना और इंडोनेशिया में पाया जाता है। देख सकते हैं ये है इगुआना, और ये इंडिया में नहीं पाया जाता है, ये आपको मिलेगा नॉर्थ और साउथ अमेरिका, मतलब
लगभग 1.5 मीटर से लेकर 1.8 मीटर तक इसकी लंबाई होती है और 4 से 8 किलो तक ये हो जाता है। ये है अपना इंडियन पीकॉक, सबको आप देख रहे हैं। ये है बंदर, ये है ब्लैक बक, डार्क ब्राउन कलर का होता है, और ये एंटीलोप है जिसके जो हॉर्न्स होते हैं वो रिंग शेप में होते हैं, इस तरह से दिखाई देता है। सिल्वर पीजेंट, ब्लैक स्वान, और ये इंडिया में मिलता है, साउथ ईस्ट इंडिया में नहीं मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में ये ज़्यादातर मिलता है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर ये मिलता है ब्लैक स्वान। हैं ये है एशियन बिल, एशियन ओपन बिल स्टॉक, और ये आपका ईस्ट इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में पाया जाता है। और आप देख सकते हैं ये है इंडियन क्रोकोडाइल, जो भी सो रहे हैं, सॉरी ये नाइल क्रोकोडाइल है, इंडियन क्रोकोडाइल तो नील नदी के क्रोकोडाइल है, जनरली इंडिया में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी पाया जाता है, और ये जहरीला सांप होता है।